दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में लेंस हेड स्नेक के जहर का प्रयोग अब इंसानों के ऑपरेशन करते समय किया जा सकेगा। दक्षिणी अमेरिका में पाए जाने वाले इस सांप का जहर इतना अधिक खतरनाक है कि इसकी एक बूंद लेना भी मृत्यु का कारण बन सकती है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने इस जहर का एक नया उपयोग ढूंढ निकाला है। अमेरिका में कनाडा के पश्चिम यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों सहित एक वैज्ञानिक के ग्रुप ने एक ऐसा सुपर ग्लू तैयार किया है जो लेंस हेड स्नेक के जहर से बनाया गया है। इस ग्लू के जरिए शरीर के किसी हिस्से से लगातार बह रहे खून को बस कुछ ही सेकंड के अंदर रोका जा सकता है। अगर इस ग्लू को शरीर के कटे हुए हिस्से पर लगाया जाए तो यह उस हिस्से से चिपक कर बहते हुए खून को रोक देगा। जी हाँ, लंबे समय से टैटू फैशन ट्रेंड में बना हुआ है। स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिल्म स्टार या फिर ऑफिस हो या कॉलेज गोइंग यूथ, सभी टैटू के दीवाने हैं। लेकिन अपने देश में एक ऐसा शख्स भी है जो टैटू को लेकर इतना दीवाना है कि अपनी आंखों की पुतली पर भी टैटू बनवा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। दिल्ली निवासी करण ऐसा कारनामा करने वाले देश के पहले व्यक्ति है। इस टैटू को स्केलेरा टैटू भी कहा जाता है। टैटू आर्टिस्ट करण अपने इस कारनामे के चलते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। जी हाँ, ईमेल हम सबकी जिंदगी का आवश्यक हिस्सा बन चुका है। इनमें इनबॉक्स, आउटबॉक्स, फोल्डर्स, मेमो, अटैचमेंट और आज ये फीचर हर ईमेल सिस्टम के हिस्से में है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर ईमेल का आविष्कार कब और किसने किया? मैं आपको बता दूं कि ईमेल का आविष्कार एक भारतीय अमेरिकी ने तब किया जब वो मात्र 14 साल की आयु के थे। ईमेल 30 अगस्त 2021 को पूरे 39 साल का हो जाएगा। तेजी से संदेश पहुंचाने वाले ईमेल का आविष्कार बीए शिवा आईए दुरई ने किया था। साल 1978 में आईए दुरई ने कंप्यूटर प्रोग्राम तैयार किया जिसे ईमेल कहा गया और अमेरिका सरकार ने 30 अगस्त 1982 को आईए दुरई को आधिकारिक रूप से ईमेल की खोज करने वाले के रूप में मान्यता दी। आईए दुरई का जन्म मुंबई में एक तमिल परिवार में हुआ था। 7 वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए। दोस्तों, अगर यह बात आपको नहीं पता थी तो चैट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।